अमेरिका ने हांगकांग का साथ दिया तो अब चीन और अमेरिका के रिश्तों के बीच दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में चीन ने अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच टकराव जो शुरू हुआ वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका ने कानून तो निकाला, लेकिन अब उस कानून के विरोध में चीन ने जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को हांगकांग भेजने संबंधी अमेरिका के आवेदन को रद्द कर दिया। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि ये प्रतिबंध नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट वॉच एंड फ्रीडम हाउस जैसे एनजीओ पर भी लागू होंगे। उनका कहना है कि हम अमेरिका से गलतियों को सुधारने और अपने आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करने का आग्रह करते हैं। चीन हांगकांग की स्थिरता, समृद्धि और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। हांगकांग में पूरी स्वायत्तता को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शन के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में पारित हुए हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम 2019 पर हस्ताक्षर किए थे। इस अधिनियम के तहत विदेश मंत्री को साल में कम से कम एक बार ये प्रमाणित करना होगा कि हांगकांग के पास अब भी इतनी स्वायत्तता है कि उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर विशेष महत्व दिया जाए। अमेरिका चीनी मुख्य भूमि के मुकाबले अर्ध स्वायत्त हांगकांग के साथ में अलग प्रकार का बर्ताव करता है। इस कानून के तहत शहर के विशेष दर्जे की व्यापक जांच अनिवार्य होगी। इस अधिनियम पर ट्रंप के हस्ताक्षर से पहले चीन ने कई बार इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद चीन भड़क गया था। उसने चेतावनी भी दी थी कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। उधर चीन और अमेरिका के बीच हांगकांग के मुद्दे पर गहमा गहमी ऐसे समय पे हो रही है जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका व्यापार युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रथम चरण के व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद हांगकांग में सैकड़ों लोगों ने अमेरिका का धन्यवाद भी दिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाकर शुक्रिया अदा किया। कई प्रदर्शनकारी ट्रंप की फोटो वाली टी शर्ट और टोपी पहने हुए भी नजर आए। ट्रंप द्वारा बनाए गए इस कानून के बाद हांगकांग के कई चौराहों पर अमेरिका के झंडे नजर आए। ऐसे में जब चीन इस कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया तो अब अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर अपना बदला निकाल रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।